नहीं ये ऊ है भी बड़ा रोमांटिक। हाँ आपको देख के लग रहा है कि ऊ ने पत्थर में भी जान फूंक दी है। तभी जब अनामिका जी पढ़ रही थी आपके भीतर का आशाराम जाग रहा था और तुम तक पहुँचते पहुँचते वो राम रहीम हो चुका है। नहीं सच मानिए, जब अनामिका जी पढ़ रही थी और सर्वेश जी उनसे संवाद कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि लपरेटा जो है वो मारुति से टकराने की कोशिश कर रहा है। आप बिल्कुल ऐसा ना करें। पत्र की बात हुई थी, चार पंक्तियां सुने कि दिल को शांत किया खत लिखकर, दिल को शांत किया खत लिखकर, फिर तुझे याद किया खत लिखकर। ज्यादा समझ में आता है कि दिल को शांत किया खत लिखकर, फिर तुझे याद किया खत लिखकर। और मोबाइल के दौर में पत्र की बात करते हो, वक्त बर्बाद किया खत लिखकर। हाँ सही कहा। अब आपको व्हाट्सएप पे ही भेजा करेंगे। मतलब ये खुद को उजला दिन कहते हैं, रतियां पीकर बैठे हैं। रतियां का जवाब नहीं है। खुद को उजला दिन कहते हैं, रतियां पीकर बैठे हैं, ये चौराहे छोटी मोटी गलियां पीकर बैठे हैं। ये चौराहे छोटी मोटी गलियां पीकर बैठे। एक बार अगर कविता का मन है तो मुझे ताली बजाकर सूचना दे दीजिए, मैं सीधे सीधे। वाह 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 वाह, क्या कहने। नहीं कुछ ठीक है, हम चौराहे गलियां पीकर बैठे हैं, लेकिन आप तो हाईवे हैं। देखिए सर्वेश जी, हम हाईवे हैं या कुछ भी हैं, NH 6 लेन है या 8 लेन है, आप ये छोड़ दीजिए। लेकिन चार पंक्तियां मैं हौसले के साथ लेकर चलती हूँ, आप वो सुन लीजिएगा, फिर मैं अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करती हूँ कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं बहाना नहीं बनाते। और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है, हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते। कोई बात नहीं, हम खंडर ही सही, हम खंडर सही, लेकिन हमको सीटी नहीं, सुनो मेरी बात तो सुनो, हम खंडर ही सही, लेकिन हमें पुरातत्व विभाग ले लेगा और आपका कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो मैंने दो पंक्तियाँ कही थी ना, कि कौन कहता है बुजुर्गों में इश्क का सिलसिला नहीं होता, आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता, अब इन्होंने जो कहा तो आगे की दो लाइनें कहने का मन हो रहा है कि कौन कहता है बुजुर्गों में इश्क की रवानी नहीं होती। मुझे खंडहर कह रही, शर्म करो। कौन कहता है बुजुर्गों में इश्क की रवानी नहीं होती, ये उनका दुर्भाग्य है कि उन पर किसी की मेहरबानी नहीं होती। चलो एक बात तो स्वीकार कर ली कि ये बुजुर्ग हैं, ये सार्वजनिक तौर पे पुरुष स्वीकार नहीं कर पाता है। बताएं क्या बुजुर्गों की, बड़े इनके फजीते हैं। अगर दूसरी पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो सूचना दे देना, मैं अधिक वक्त नहीं लूंगी, कि बताएं क्या बुजुर्गों की, बड़े इनके फजीते हैं, ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं। तुम इतना छेड़ रहे हो तो मैं आखिरी दो पंक्तियां कहूंगा। ये जब पूरी तो हो जाने दीजिए कि ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं, और जवानों सीख कुछ ले लो जरा इनके तजुर्बे से, जवानों सीख कुछ ले लो जरा इनके तजर्बे से, जो तुम होठों से पीते हो ये आँखों से पीते हैं। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ, वहाँ योगी जी ने एंटी रोमियो स्कर्ट लगा रखा है, तो हम लोग अब आँखों से ही पी रहे हैं आजकल। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, कौन कहता है, नहीं, बुजुर्गों में भी जवानी का जोश होता है। ये बड़ा व्यंग करते हैं बुजुर्गों पर, गलत है। मैं बुजुर्ग नहीं हूँ,
मेरी उम्र मात्र 36 साल है और मैं इनसे 9 साल छोटा हूँ, लेकिन ये संचालक के तौर पे मुझे बुजुर्ग बुजुर्ग बुड्ढा कह रहे हैं, किसी से चेकअप करवाओ भाई हमारा। बुजुर्गों में भी जवानी का जोश होता है, ताली मजबूत बजाना, खड़े होके कहूंगा, बुजुर्गों में भी जवानी का जोश होता है आदरणीय, बुजुर्गों में भी जवानी का जोश होता है। अरे तन भले कछुआ है पर मन खरगोश होता है। चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर, अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर, जिंदगी आ गई जब इंश्योरेंस पर। अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर, जिंदगी आ गई जब इंश्योरेंस पर, और मोदी सरकार है तो ये मत सोचिए खाता कहीं भी खुल जाएगा जीरो बैलेंस। सच में शुरू से कह रहे थे ईश्वर कसम मैं झूठ नहीं बोलता, ईश्वर कसम मैं झूठ नहीं बोलता, अपनी उम्र 36 वर्ष बता रहे हैं, अगर ये 36 वर्ष के हैं तो मैं तो फिर जन्म लेने की प्रक्रिया में ही हूँ। लग तो यही रहा है। मानिए हमारे देश के बहुत अच्छे संचालक, बहुत प्रिय मेरे मित्र भी हैं, एक बार सर्वेश अस्थाना जी के लिए आप सबकी तालियां होनी चाहिए, इतनी देर से सभी कवियों को क्रम में बांध के रखा है। टुन्नू बाबू कभी वहां कभी यहां कभी यहां सोफे को बराबर सांस लेने दे रहे हैं। बुट्टी बाबू को भी ऊपर लाया गया, लोग जानते थे कि नीचे से तो ना दिखेंगे, ऊपर से ही सम्मान करा लिया जाए। ओम प्रकाश जी ने बहुत अच्छा अपना भाषण दिया था, स्वच्छता अभियान निश्चित रूप से। मैं देख रही थी कि जब देवी जी अपना गाना गा रही थी, वो हर पंक्ति के बाद आपको जागरूकता की एक पंक्ति कह रही थी कि स्वच्छता अभियान होना चाहिए। निश्चित रूप से मैं इंदौर शहर से आती हूँ, आज भारत का सबसे पहला शहर जो स्वच्छता में नंबर वन है वो इंदौर है। एक बार मेरे अपने शहर के लिए आपकी तालियां होनी चाहिए। मैंने जब मोहन जी से पूछा कि मुझे बुलाने का क्या कारण है, तो उन्होंने कारण भी यही बताया कि आप स्वच्छता के उस शहर से आती हैं जो प्रथम स्थान रखता है, तो गया उससे भी कुछ सीखेगा, इसलिए एक बार आप सभी अपने हाथ उठाकर मुझे ये विश्वास दिलाइए कि जो बेड़ा इन लोगों ने उठाया है उस बेड़े को आप लोग आगे ले जाएंगे, इस मिशन को आप लोग आगे ले जाएंगे। एक बार पूरा सदन मुझे तालियों से ये स्वीकृति दे कि आप इस मिशन को आगे ले जाएं। बहुत सुंदर, अवश्य। बहुत ऊर्जा से ये मोहल्ला बहुत देर से सुन रहा था कि जवानी है अभी रोशन दिलों की कश्तियां करना। हाँ मुझे मालूम है अनामिका जी आपको एकदम परिपक्व करके गई है, कहाँ वाह करनी है कहाँ आह करनी है सब सिखाया है उन्होंने, कि जवानी है अभी रोशन दिलों की बस्तियां कर लो, जिधर बहती नदी देखो उधर ही कश्तियां कर लो, जिधर जिधर बहती नदी देखो उधर ही कश्तियां कर लो, और जरा ठहरो उड़ाओ ना किसी की याद में नींदे, जरा जरा ठहरो उड़ाओ ना किसी की याद में नींदे, यही है जिंदगी के दिन जरा सी मस्तियां करो। वाह, ये तो दो सच में मुझे 377 वाले ही लग रहे हैं। मैं सच में प्रणाम करती हूँ। मोहन आदरणीय को तो हूँ इतना पसंद आ रहा था, सच में ये बार बार देवी जी से हूँ करवा रहे थे, एक बार मेरा मन है आप हूँ बोल कर दिखा दीजिए तो मैं फिर आगे। नहीं, नहीं, पहले ये बताओ इनको बड़ा हूँ बोलना है कि छोटा हूँ बोलना। अब इस बात पर मुझे कवि सम्मेलनों का एक चुटकुला याद आ गया कि लड़की पर छोटी ई की मात्रा लगती है या बड़ी ई की मात्रा लगती है। विद्यार्थी ने कहा कि मार साहब पहले लड़की दिखाइए, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, बड़ी हुई तब भी बड़ी ही की मात्रा लगेगी और छोटी हुई तब भी बड़ी ही की मात्रा लगेगी। एक बार चार पंक्तियां में शुरुआत की करना चाहती हूँ, गला थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है, स्वास्थ्य सच में खराब था, अभी पिछले दिनों डेंगू से गुजरी हूँ, लेकिन आप लोगों का आदेश पहले भी गया आई थी तो
तो आदेश हुआ आदेश की पालना की, यहाँ पर उपस्थित हूँ, जितनी देर काव्य पाठ कर पाऊंगी उतनी देर करूंगी, वरना अपना स्थान ले लूंगी। आदरणीय सर्वेश जी को भी काव्य पाठ करना है, उसके बाद देवी जी फिर एक बार मंच संभालेंगे। मैं चार मुझे मालूम है तुम्हारी नस कहाँ अटकी होगी, नहीं मैं कब से देख रही हूँ ये जो सीधी सरल रेखा आप देवी जी से मिलाकर खड़े हो, मैंने कोई गलत फहमी नहीं पाली। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना और उन्होंने बहुत अच्छा सुनाया भी। इतना कभी मैंने लोक गीतों को एंजॉय नहीं किया जितना आज मंच पर बैठकर एंजॉय किया। एक बार देवी जी के लिए आपकी तालियां हो जाए फिर मैं काव्य पाठ के लिए हम कहेंगे हम बहुत दो कौड़ी का ऊ कह रहे। सर्वेश जी आप तो अगर भजन भी गाओगे तो रैप सॉन्ग की तरह लगेगा, आप ना गाओ तो ज्यादा अच्छा। चलिए सुनिए मैं आपको सुनाती हूँ चार पंक्तियाँ। सर्वेश जी सर्वेश जी हो गया, चलिए अब शांत होइए, थोड़ी कविता भी होने। इसमें एक ऊ और शामिल था, छोटा ऊ बड़ा ऊ, एक इनकी तरफ से भी ऊ था जो इतना लंबा ऊ इन्होंने खींचा है। सारा दिन आप तीन देवी मिलके यहाँ करे आए हूँ ऊ, हम लोग का बैठे हैं बजाने के लिए यहाँ भोपू। आपके गया शहर के उप महापौर हैं, अगर ये अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो एक बार मुझे सूचना दीजिए इनके सम्मान में ताली बजाकर, मैं फिर अपने काव्य पाठ तक आके बहुत सम्मान में इनका करती हूँ। सच में जैसे ही मैं आई इंदौर से तो मिलने आए, बोला कि एक महीने से आपसे बातचीत हो रही है प्रोग्राम के विषय में, मोहिनी जी आपको बहुत मिस किया। तो मैंने जैसे ही कहा मी टू, उसके बाद इन्होंने कहा कि अगस्त में रक्षाबंधन भी आता है, आप आती जाती रहिएगा। मैं इन्हें प्रणाम करती हूँ और चार पंक्तियों से अपने काव्य पाठ। चलिए एक को समझ में आया, एक पढ़ा लिखा आदमी था जो मीटू समझता था। मैं पुनः आपसे जुड़ती हूँ, चार पंक्तियाँ कोशिश करती हूँ। मेरे मन की मीरा कहीं दस्तक देती है, कहीं आवाज लगाती है, और मेरे मन की मीरा अगर आपके मन की मीरा को दस्तक दे जाए तो मुझसे जुड़िएगा। जितना हास्य पर आपने आनंद लिया है, मैं जानती हूँ ये बिहार है, कविता की धरती है, अगर कविता से जुड़ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा खड़ा होना सार्थक होगा। मैं चार पंक्तियों से जुड़ती हूँ, सुनिएगा। कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, वाह, एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है। मुझे अच्छा लगा कि दूसरी पंक्ति आपको अच्छी लगी, लेकिन चौथी पंक्ति अगर आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे तो इससे डबल उल्लास मुझे दिखाइएगा। मैं पंक्तियां सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है, तुम जो छू लो शिवाला बनो प्रेम का, एक मीरा दीवानी तो मुझ में भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मालूम है मुझे, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बस दो मुक्तक और सुनाती हूँ और अपना स्थान ले लूँगी। ट्रेन का हॉर्न बार बार बज रहा है, चार पंक्तियाँ मुझे इसकी याद आती है। अगर ये सफ़र कभी आपके साथ भी गुजरा हो तो मुझे सूचना दे दीजिएगा, फिर अंतिम चार पंक्तियाँ सुनाकर अपना स्थान ले लूँगी। सुनिएगा। कि रेल का वो सफ़र याद है आज भी, रेल का वो सफ़र याद है आज भी, एक कयामत सी मैंने सही रात भर। वाह। रेल का वो सफर याद है आज भी, एक कयामत सी मैंने सही रात भर, और उस मुसाफिर की थी सांप जैसी नजर, मेरे चेहरे को डसती रही रात भर। वाह। मेरे अच्छा, चेहरे को डसती अच्छा रही रात भर। बहुत अच्छा शेर। मुक्तक सुनिएगा, मैं सुनाती हूँ। शाबाश। वाह।
कि इश्क खता है इस दुनिया को यकीन दिला कर चला गया। इश्क खता है इस दुनिया को यकीन दिला कर चला गया। चांद सरीखा था वो लेकिन धूप खिला कर चला गया। चांद सरीखा था वो लेकिन धूप खिला कर चला गया। मैंने दामन तर कर डाला रो रो रेल के डिब्बे में, वो खिड़की के बाहर से ही हाथ हिला कर चला गया। वो खिड़की के बाहर से ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा आप सब। इस पंक्तियों पर दादाजी ने भी बहुत ऊर्जा से तालियां बजाई है, लगता है ट्रेन का सफर इनका भी यादगार रहा है। मैं ट्रेन में ही दादा बने थे। चलिए ट्रेन से उतरकर रेलवे मैदान तक तो आ गए।